हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के इंडेक्स एनालाइज के बारे में, और वहां पे आपको बताएंगे मई के मंथ में जो है स्टॉक में इस इंडेक्स में हमें जो है क्या देखने मिलने वाला। तो चलिए जाते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या देखने मिला है फ्राइडे के दिन। यहाँ पे क्लोजिंग 0.10% का पॉजिटिव क्लोज देखने मिला है। 18314.80 पे क्लोजिंग देखने मिले। डेज रेंज की अगर बात करें तो 18342 का हाई मारा था, 52 रेंज के बहुत ही पास में चल रहा है। 18887 के आसपास जो यहाँ पे हमारा 52 रेंज का हाई था, यानी कि एक तरह से ऑल टाइम हाई जो हमारा 18887 का था। तो क्या यहाँ पे इसको जो क्रॉस कर पाएगा इस मंथ में, उस बारे में बात करेंगे, और इस मंथ में हम क्या एक्सपेक्ट करें, क्या सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस रहेगा, उस बारे में हम आपको बताएंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 में। सबसे पहले मंथली का जो चार्ट देख लेते हैं। मंथली के चार्ट में जो हम सबसे पहले लास्ट मंथ का जो देख लेते हैं, अप्रैल मंथ का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। यहाँ पे नीचे के साइड में बारीक से वीक देखने मिल रही है, ऊपर के साइड में भी आर एस अराउंड जो है हमारा 57, 60, 61 के आसपास जो आ चुका है, जो हमें यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव मूव का जो एक्सपेक्ट यहाँ पे जो है इंडिकेशन दे रहा है मंथली के चार्ट पे। बाकी अगर यहाँ पे मैं बात करूँ मंथली के चार्ट में, फिलहाल जो है मई का मंथ जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 40 यहाँ पे हमारा जो है 14 जो है आ चुका है, मतलब यानी कि 15 मंडे से जो है 15 है, तो ऑलमोस्ट हाफ जो है हमारा मंथ जो निकल गया है। बाकी के यहाँ पे मंथ में क्या अपने 52 हाई के आसपास जो स्टॉक आएगा या फिर नहीं, उस बारे में भी थोड़ा सा हम यहाँ पे निफ्टी 50 में बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे आने वाले दिनों में हमें क्या देखना है, उस बारे में थोड़ा सा वनडे के चार्ट में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वनडे के चार्ट में आने वाले दिनों के लिए मेरा ओपिनियन जरूर नेगेटिव मूव का है। एक्सपेक्टेड है डाउनसाइड जो है 18258 के आसपास देखने मिला, और उसको भी क्रॉस करते गया तो डाउन मूवमेंट जो हमें 18162 तक आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी इवन और भी जो नीचे आते हुए देखने मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल ये जो है नीचे के साइड में ये कुछ सपोर्ट जोन है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले दिनों के लिए। बाकी वीकली के चार्ट में बात करते हैं कि क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे रहेंगे, मार्क करके आपको मैं बता देता हूँ, ताकि यहाँ पे आपको समझ में आए कि आपको किस लेवल पे जो है ध्यान देना है, ताकि यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट इस मंथ में जो है क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे आप देखते हुए चले। तो यहाँ पे जो भी मैं मार्किंग्स कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट पे मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये मार्किंग्स जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस को, अगर यहाँ पे जो है ऑप्शंस में आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस को जो है यहाँ पे हेल्प करेगा अच्छी तरह से। यहाँ पे जो है कब बाइंग करनी है, कब सेलिंग करनी है, कब कॉल लेना है, कब पुट लेना है, उस बारे में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी मैंने मार्किंग्स की आप जरूर अपने चार्ट पे कर ले, और यहाँ पे हमारी मार्किंग जो कंप्लीट हो चुकी है। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्लोजिंग 8314 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट हमारा आता है 18155 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 18435 का। तो याद रखना 18435 जब भी क्रॉस हो तो हमें जो अच्छा मूव देखने मिला है 18697 तक का, उसको वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बाकी 18155 के नीचे अगर स्टॉक ने जो किसी भी एक दिन जो है क्लोजिंग दे दी 18155 के नीचे, तो हमारा जो है इंडेक्स गिरते हुए देखने मिल गया 17893 तक। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें, ये जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट वन मंथ के लिए भी आप जो इसको कंसीडर में रख सकते हैं, भले ही मैंने मई का मंथ का जो यहाँ पे बात किया, लेकिन आप नेक्स्ट मंथ के लिए भी जो है अगर आपको जो है ये लेवल्स जो टूटते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको जरूर ध्यान देना है। बाकी मेरा ओपिनियन यहाँ पे जो है इस मंथ में मई के एंड तक जो है यहाँ पे इसी रेंज में क्लोजिंग का है, यानी कि 18435 से लेकर 18155 के रेंज में ही हमें जो क्लोजिंग देखने मिल सकती है मई के मंथ में। बाकी दोनों में से किसी भी एक साइड में क्रॉस होगा तो वहां पे एक अच्छा आपको बड़ा मूव जो है देखने मिल जाएगा निफ्टी 50 में। बाकी बिना समय गवाए बात करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने में, तो बैंक निफ्टी का सबसे पहले मैं चार्ट ओपन करके रख देता हूँ। बाकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी में, यहाँ पे हमें क्या देखने मिला है फ्राइडे के दिन। 0.73% का पॉजिटिव मूव, 43793.55 पे क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में पॉजिटिव मूव रहने वाले या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाले, उस बारे में बात करेंगे। मंथली के चार्ट में मैं आपको जो इसका ऑल टाइम हाई भी जो बता देता हूँ, तो यहाँ पे ये रहा हमारा मंथली का चार्ट। तो मंथली के चार्ट पे जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही पास में, बहुत ही क्लोज में यहाँ पे ये वाला जो कैंडल है उसका क्लोजिंग जो था उसका यहाँ पे जो है हाई हम देख ले 44151 का जो हाई है, यानी कि बहुत ही पास में जो निफ्टी बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखना है कि बहुत ही पास में चल रहा है, तो कभी भी यहाँ पे जो हमें 52 हाई जो क्रॉस होते हुए देखने मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे इस मंथ में क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस मंथ में जो है सबसे पहले बताने से पहले आने वाले दिनों के लिए थोड़ा सा मैं आपको जो इंडिकेशन दे देता हूँ। तो आने वाले दिनों के लिए निफ्टी बैंक में जो हमें जरूर एक नेगेटिव मूव की एक्सपेक्टेशन जरूर है। 43688 के 84 के आसपास आते हुए देखने मिल सकता है, उसको भी क्रॉस करते हुए गया तो 43427 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे इतना तक जो हमें डाउनसाइड देखने मिल सकता है। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। यहाँ पे बिना समय गवाए वीकली के चार्ट पे जाते हैं, बात करते हैं सबसे पहले तो मैं
सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस मार्क करके रख दे। तो जो भी यहाँ पे मैं सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट पे मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये मार्किंग्स में बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करने में। तो जरूर आप सेम टू सेम अपने चार्ट पे मार्किंग्स कर ले। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है बैंक निफ्टी और यहाँ पे निफ्टी 50 में क्या हो सकता है इस मंथ में, क्या इस मंथ में ऑल टाइम हाई जो है निफ्टी 50 जो है क्रॉस कर पाएगा, यहाँ पे मैं आपको कहूँ तो बैंक निफ्टी यहाँ पे जरूर जो हमें एक बार क्रॉस करते हुए देखने मिल सकता है, वो मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ इस मंथ के लिए खास करके। और ऊपर में क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे साइकोलॉजिकल नंबर, जैसे कि 44,000 के आसपास चल रहा है तो 44,500 ऐसा जो हम साइकोलॉजिकल नंबर जो यूज़ करेंगे, तो उसको मैं मार्क करके रख देता हूँ। 5,500 का जो है यहाँ पे एक मूवमेंट में जो है यहाँ पे मैं मार्किंग्स करके दे देता हूँ। तो यहाँ पे अब जूम करके मैं बात करता हूँ इसके क्लोजिंग की, फिर यहाँ पे हम बात करेंगे हमें क्या लगता है किस रेंज में हमें स्टॉक जो यहाँ पे हमारा इंडेक्स जो क्लोज होते हुए देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 43,793 के आसपास क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट हमारा सपोर्ट आता है 43,170 का, डायरेक्ट रेशन आता है 44,137 का। याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेशन का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब इस रेंज में अगर घूमते हुए देखने में यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। बाकी डायरेक्ट सपोर्ट और सपोर्ट के डायरेक्ट रेशन के बाद का हमारा अगला सपोर्ट और अगला रेशन मैं आपको बता देता हूँ मेरा ओपिनियन कहने से पहले। तो डायरेक्ट सपोर्ट का सपोर्ट आता है 42,461 का, उसके बाद कहता है 41,752 का, डायरेक्ट रेशन के बाद का अगला रेशन आता है 44,524 का, उसके बाद कहता है 45,000 का। यहाँ पे जो दो सपोर्ट और दो रेशन बताया उसको आप जरूर कंसिडर में रखते हो अपना यहाँ पे ट्रेड ले। बाकी यहाँ पे मेरा ओपिनियन जरूर यहाँ पे इस निफ्टी बैंक निफ्टी में जो है यहाँ पे एक 52 हाई जो है यानी कि ऑल टाइम हाई जो ये अपना इंडेक्स जरूर क्रॉस करने हुए देखने मिलने वाला है, लेकिन हमें रेजिस्टेंस जो है जरूर 40 उसके जो 52 हाई के बहुत ही आसपास जो है हमें एक रेजिस्टेंस जो देखने मिलेगा, तो वहां से तुरंत फिर जो गिर सकता है। बाकी मई के मंथ में जो नो ट्रेडिंग एरिया के रेंज में जो क्लोज देखने मिलने वाला, मतलब 43,170 से लेके 44,137 के रेंज में हमारी क्लोजिंग की जो एक्सपेक्टेशन है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखें। बाकी दोनों में से भी किसी भी एक साइड में जो है रेंज टूटा, मतलब अगर रेजिस्टेंस टूटा तो अगला जो है 44,500 सीधा आएगा, इवन 45,000 जो है सीधा हमें आते हुए देखने मिल सकता है नॉनस्टॉप। बाकी 43,172 तो यहाँ पे जो है हमारा इंडेक्स गिरते हुए देखने मिलेगा, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखें। बैंक निफ्टी में भी कॉल और पुट के साइड में जो आप कुछ इस तरह का मूवमेंट जो है देख सकते हैं, तो वेट करें इंपॉर्टेंट सपोर्ट का और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जो यहाँ पे क्रॉस होने का, फिर यहाँ पे अगर आपको कोई भी साइड में कॉल या पुट के साइड में जो भी आपको पोजीशन लेना वो आप ले सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताओ, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।